अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मैं अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे वक्त आने वाले वीडियो आप आसानी से पहुँच सके। मैंने आपको एक वीडियो में कबूतर के अपने पैक दिखाए थे, जिनमें से एक बच्चा निकल रहा था, एक अंडा बच्चा रखा हुआ था। आज एक दिन छोड़ गया, उसके अगला दिन है। आज देखते हैं दूसरा चिक्स निकल रहा है या नहीं निकल रहा, पहले वाला निकल आया है या नहीं निकला, वो भी देखते हैं। पहले मैं आपको अपना पोल्ट्री फार्म दिखाता हूँ, जो मैंने सर्दियों के लिए अपने अंडे के लिए तैयार कर रखा है। वो मैंने कमरे में ठहराया, पैर बिल्ली फिर हुई होती है क्योंकि उनको उठाने के लिए अक्सर मेरे चूहे बिल्ली ले गए। बिल्ली मेरी खतरनाक होती है, बिल्ली से पता नहीं लग रहा बिल्ली चूहे मेरे अक्सर खा गई। पहले मेरे बहुत चूहे थे, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाए भी थे, कुछ मैंने बेचे भी हैं, अक्सर मैं चूजे भी ले लेगी। मैं चलता हूँ, आपको अपने पोल्ट्री फार्म दिखाता हूँ, जो मैं अपने चूजों को कमरे में ठहराया हुआ है। और एक खिड़की उधर है, किधर है, ये बंद कमरा है, बिल्ली के अंदर नहीं जा सकते। चलते हैं, वीडियो का शुरू करते हैं। मैं आप चलो दिखाता हूँ अपना पोल्ट्री फार्म। ये हमारा दरवाज़ा है, इसको हम खोल रहे हैं और हम अपने पोल्ट्री फार्म हमारे तैयार मुर्गियाँ बनी खड़ी हैं, छोटे हैं, इनको मैं फीड दे रहा हूँ। ये 14 नंबर फीड है, जो ये खा रहे हैं, तो मैं ये 14 नंबर फीड दे रहा हूँ। बाजार ठीक लाया, अच्छी क्वालिटी की, ये खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो मैंने कमरे में ठहराया हुआ, अंदर गर्मी है, लेकिन आप चलते हैं, मैं कबूतर दिखाता हूँ जिन अंडे से बच नहीं कर रहे थे। बंद करते हैं, हम जा रहे हैं अपने खुंडे के पास जहाँ हमारे कबूतरों ने अंडे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आ गए हम अब खुंडे के पास, अब हम गेट खोलने लगे हैं। कबूतरी अंडे से बाहर उठ गई, हर कबूतर बैठा हुआ था, ये दो अंडे रखे हुए हैं। ये देखें, इस अंडे को ऊपर इन्होंने जोर, कबूतरों ने जोर दे के इसको जोर दे के इन्होंने अंदर ही मार दिया है। ये देखें, ये बहुत ही नाजुक चूजे थे, अभी तो ये पैदा हो रहा था, कबूतर ने ऊपर बैठ का जोर दिया, ये देखिए मार गया। थोड़ी सी कटाई की वजह से कबूतर की बच्चे की जान चली गई। अच्छा, आप दूसरा अंडा चेक करते हैं, उसमें बच्चा निकल रहा नहीं निकल रहा। देखिए इसको भी ठोंग लगा पड़ा है, ये भी अल्लाह करे ये बच जाए। कबूतरों का एक तो बच्चा बच जाए, अंदर से चुन रहा है, खलनी को तोड़ा दिया है, ये इंशाल्लाह निकल आएगा। कबूतरों से गुजारिश करता हूँ, इसका ख्याल करना, इसका ऊपर छोड़ना मत, ये एक ही अंडा बच्चा पड़ा है आप लोगों का। ये देखें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।